आज योग दिवस है, पिया तो आज शायद से लंबो दिन भी है, क्यों तो बधाई हो सबको योग दिवस की। और बिया बिथान ली उम्र में तो योग करने की जरूरत भी कोनी, अरे अब बिथान जरूरत भी महसूस कोनी। और अब मैं थान कहती हूँ सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, तो मैं आपको नहीं उठूंगा तो जल्दी उठना चाहिए। और देजे भी कोनी छावासन क्यों बाबू जी आप भी कोनी काम कर जाए कठू कू मैं थान, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के अंदर किए वह कह थोड़ी चीज़ों की ध्यान रखनी जरूरी हुए, जिसे हम अमूमन आज थे की खा लो लाई बता दियो, आज थे पुड़िया खाओ, बाहर चाट की कोई चीज़ खाओ, आपकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कभी, क्योंकि आप उस उम्र के अंदर हो कि दगड़ भी खा लेगा नहीं तो भी थारा पच जाएगा। लेकिन एक समय आएगा, वो आएगा लगभग 27-28-30 के बाद में, 30 के बाद में अब जो आप काम कर रहे हैं ना उसका इफेक्ट आपके 30 या 35 के बाद पड़ेगा। जवानी में खाई चीज बुढ़ापे में बेरोचा लगो, अभी थे पुड़िया खाओ बिल्कुल खान लाग रहे हो, मन पतो है लगभग चेपन लाग रहे, और आपको ये लगता है मेरे कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन 30 के बाद में जब एक जाड़ तन कटानी पड़ेगी नहीं, जब तन बेरो पड़ेगा क्या यार वो साइड इफेक्ट जो है अब आए, क्योंकि नशे का साइड इफेक्ट आने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। दारू पीना पी पो करो तो दापिए पी लो 10 साल कोई साइड इफेक्ट को नहीं आओ, लेकिन जब दिन आओगे नहीं वो आओगे 10 या 15 साल बाद फिर बेरो चाला हो कि किडनी जकी है बाप काम को नहीं कर रही। तो अभी तो भैया जरूरत को, लेकिन कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी थोड़ी सी जरूरी हो जाए, भी सुबह को नहीं उठी जाए को नहीं उठी जाए, के इलाज है, खाने का शेड्यूल जिस आदमी का सही है ना, अब मारो बिगड़ गयो, बिगड़ी हुई हमारी हालत होती जा रही है खराब, क्यों, क्योंकि अपने जी हमारे 10 साल पहले घरे खानो 6 या 7 बजे खा लेता कोई मोटो को नहीं हो, आज खानो खाई जाए कितना बजे 10-11 बजे। रात का खाना हमारे शास्त्रों में नहीं है कि 30 के बाद रात का खाना छोड़ देना चाहिए, शास्त्रों में ही नहीं है कि रात में सिर्फ दूध पियो रात का खाना नहीं, जो व्यक्ति रात को खाना नहीं खाता ना सिर्फ दूध पी के से वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसमें कभी मोटापा नहीं आएगा। लेकिन के कराम वाले जोड़ी नींद को नहीं आ, मैं भी मोटी हो गई एक दिन नाको लगायो बिना खानो खाए सो, रात ने 12 बजे उठे खानो खा के फिर सोयो पाछा। लेकिन फिर भी अगर आप 6 या 7 बजे 8 बजे अधिकतम 8 है 8 बजे अगर नाइट का खाना खा लेते हो आप में कभी मोटापा नहीं आएगा। एक आपने कि वे को बीच में पानी पीना और बहुत जोर को चलना है, अगर आप खाने के बीच में अगर पानी पी लेते हो तो थोड़े दिनों बाद ही आपकी गेस्टिंग वगैरह शुरू हो जाए। गर्म खाना खा रहे हो गर्म चीज़ के ऊपर ठंडो पानी गिरो क्यों वेगो, जी आग है आग के ऊपर ठंडो पानी गिरोगा क्यों होगा, खत्म है कहानी। गर्म खाना के ऊपर से ठंडो पानी गिर दियो अब बेचारा खाने थे बठी गाड़ दियो, उस खाने को आपने वही खत्म कर दिया और वो आपके शरीर में साइड इफेक्ट डालेगा, या तो आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद। एक जो पटना टावरांगा एक रूटीन बहुत जोर को है, छा लियाओगा दिन के कौन पिया वो रात में भी आऊंगा, अरे पहाड़ो रात को कभी खटाई चीजें नहीं खाई जाती, अभी आपके इस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, खाओ चाहिए। लेकिन आदमी के अंदर अम्लीयता और क्षारीयता दो चीजें, लगभग लोगों में अम्लीयता बढ़ जाती है, छाछ के अंदर क्या है छाछ शाम को हो जाएगी एसिड, यानी वो बियर में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, और बियर वगैरह पीते हैं इनमें भी क्या बढ़ जाता है एसिड बढ़ जाता है, और एसिड है नहीं जग दिन कभी अब भी तो वही को नहीं हालत खराब थारी जग दिन डकारा आएगी नहीं बांती बांती ही जगाऊं जब थान बेरो पड़ा होगा एसिड नुकसानदायक है। रात को कभी भी खटाई नहीं खानी चाहिए, सुबह दही माना गया है सुबह छाछ बीच में दही खाने के समय, और शाम को हमेशा दूध होता है, तो ऐसे जगह लिया और शाम का बड़ा चूर के लागेगा रोड रोबा छावड़ी पी के सांडगी तिरिया सोगा रहे पटाई का लक्षण थोड़ी थारा है। लोग आपको ये जरूर बताएंगे कि अगर मोटापा कम करना है तो सलाद खाओ सुनियो क्यों, लेकिन आप आन कोई कौन बताओ कि क्या खाओ, अगर आपको सलाद खाने का तरीका आता है तो आप में कभी मोटापा नहीं आए, तेरे में क्या मिया रहे मेरे में ज्यादा कौन, मेरे जच्चे मैं कम कर लूँ जच्चे बढ़ा लूँ, थे मेरा पूरा वीडियो देख लियो कभी मेरे कम ला दो कभी ज्यादा ला दो, तो मैं ना योग करूँ ना कुछ और करूँ, नई टेक्नोलॉजी है सिर्फ सलाद की, अगर आप में मोटापा हो जाए कुछ नहीं करना, सलाद खाना कैसे है? लोग आपको बताएं सलाद बीचों बीच में खाए रोटी ज़्यादा भाव है, पहले सलाद मंगवाओ भरपूर खा लो, पहले रोटी के हाथ ही लगाना है लियानी को नहीं रोटी, आप सलाद खा लो ढंग से फिर लाओ रोटी, अगर आप 4 रोटी खाते हो आप पहले दिन ही डेढ़ पे आ जाओगे, ये तरीका होता है हमेशा सलाद खाने का जिसे मोटा नहीं होना है, पहले पूरी तरीकों सलाद जितो खाई जाए दापे अब लियाओ रोटी अब लियाओगे तो अब तो भावे पेट तो भर लियो पहले सलाद हो,
तो ये सलाद खाने का थोड़ा सा तरीका है। आ तो चलो योग दिवस पर बात आई, अरे 4 बजे उठो योग करो, देखो ना मेरू है ना मैं थाने को यहाँ राय दू, जो डॉक्टर कहेगा दाफी कर लिया कोई बात को नहीं, लेकिन फिर भी हो सके इतना पैदल चल लो, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने। अरे ये उम्र में भी अभी कोई फर्क कौन पड़े, क्योंकि आप कोचिंग आते हो रहते हो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और इससे आप में अभी मोटापा नहीं है, वो 30 के बाद में आओगे, 30 के बाद में और बुलाए थान भाषण देती हूँ कोई बात कर। हाँ बात मेन मुद्दे की जी की बात ही बाबी तो कर रही है। लास्ट काल एक टाबर को कहीं इंग्लिश की क्लास को लगी, हाँ लड़कियां कहीं कोई भी को, अभी आपके साइड कितने बजे क्लास लगती है? 8 बजे। 8 से कितने बजे तक है? 3 बजे तक, ठीक है। लास्ट पीरियड में स्टूडेंट बचते 20 से 30%, क्यों? आपका बेंच फुल हो गया, मैं नयो बेंच लेने की सोचा, थार्मो 20 या 30% बच्चे तो मजा क्यों लियो मारा? क्या बी एस टी सी लास्ट घंटा रीजनिंग का है, सब में आती है रीजनिंग, बी एस टी सी में आती है, पीटी किस में नहीं आती? तो मैथ सीटी में है। पहली बात तो ये कि अब अगर, क्योंकि पीछे के वीडियो में पीछे एक बार एक टेस्ट रखे मौका, आप हर 15 दिन एक टेस्ट रखा, बिन टाइम बच्चा 700-800, मैं टेस्ट की घोषणा करी, बी दिन आया 200, मैं कॉपी कटा के छोड़ रहा कि 800। अब आप बेचा हूँ केकरा भाई थे तो, फिर हमने कहा कि इनका टेस्ट लेना ही नहीं, कोई टेस्ट नहीं लिया। अब वीडियो बेंच की विदाई बिन टाइम बोले गुरु जी कोई कमी को नहीं, लेकिन थे हमारा टेस्ट कौन लिया, जद मान अफसोस हो, वो पढ़ने वाले बच्चों के साथ हमने गलत कर दिया, और किसके लिए? उन नालायकों के चक्रों में जो नहीं पढ़ते, उनके चक्रों में 20% लास्ट में 20 या 30% बचते हैं, यही रेशो सिलेक्शन का है, पढ़ने वाले है इतने, बाकी तो भीड़ है सिर्फ, लेकिन बंग चक्रा में औरान खराब ना। हमेशा एक प्रकृति का एक नियम है कि बुरे आदमी की सजा कभी बुरे आदमी को नहीं मिलती, हमेशा अच्छे आदमी को मिलती है। कैसे? जैसे मान लो कि आप यहाँ रूम में रह रहे हो, जिस भी गाँव की हो पता तो है उसको, जाती टाइम थे बल्ब काट ले जाओगा, पंख लो काट ले जाओगा, रिपिया खा जाओगा, बना के बांध रहा, उसके थारे भी कोई इफेक्ट कौन पड़ियो। अब कोई बेचारो थारे ही गाँव गो, कोई शुद्ध छोरो आओगो, वो मकान मालिक बिन रूम को दे, सजा किसको मिली? हाँ सही आदमी को मिली। मैं मास शुरुआत में रिपड़ा उधारा दे दे तो, और बाद में पाछा कौन दिया? अब मेरे को कोई सही आदमी मांगन तो मैं 1000 बार सोचूं क्यों को नहीं, क्यों बुरे आदमी की सजा किसको मिली? पाकिस्तान का एक व्यक्ति था, जापान के अंदर लाइब्रेरी से कोई किताब चुरा के ले गया, उसके बाद में जापान की लाइब्रेरी के आगे लिख दिया गया कि पाकिस्तान नॉट अलाउड, सजा किसको मिली? बुरे आदमी की सजा कभी बुरे आदमी को नहीं मिलती, हमेशा अच्छे आदमी को मिलती है उसकी सजा। तो आप ऐसा कुछ न करो कि जिसकी वजह से सजा पढ़ने वालों को मिले। आपको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, मानने की जरूरत को नहीं, और 1100 रुपया देंगे और मजा भी नहीं लेना चाहिए। बस में बैठा बस वह लगभग 1 करोड़ की, ट्रेन में बैठा ट्रेन तो अरबांगी वह, और जच्चे बट चैन खींच दियो, और बस ड्राइवर ने को 8 रोग 8 रोग क्यों 10 रुपया हम खरीद ली गए बस ने, जच्चे बड़ा आ जाएगा जच्चे दूर जाएगा ना, तो देखो इस मानने जरूरत है और ना ही सरकार ने जरूरत है, क्या सोच रहे सरकार ने जरूरत है? कठी जरूरत को नहीं, सरकार कन 18 लाख बेरोजगार है राजस्थान में, अरबा मुबान लेना किता है 2000 3000 5000 7000, तो उन्हें वैसे व्यक्ति चाहिए जो पढ़ने वाले हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, बढ़िया बुद्धिजीवी, ना कि फितूर चाहिए। फितूरा की जरूरत ना तो माने ना ही समाज ने और ना ही सरकार को जरूरत है। अगर आप ये सोचते हो आया एक घंटो लिए और पाछा भाज गया तो मानने की जरूरत है ही को नहीं, तो थन ला गई सरकार थन थर ऐसा कार्टून लेगी बा। आप जो काम कर रहे हो थाने देखिए कोई एक जने पढ़ने को नहीं, बिन देखे दूसरा और जाना वही पटो कौन पटापा ही चल पड़ा, देखा देखी ज्यादा है अपने समाज के अंदर, जो कोई एक काम करेगा नहीं वो फिर 2-3 जना और भी काम में लाई जाएगा, देखा देखी चालू हो रही है। अब अगर कोई गयो है पहली बात तो उसको रीजन बताना पड़ेगा, और नहीं फिर भी वो कार्ड लेंगे और बिंग घरे फोन करना, रीजन भी मान पेरा बस जाए 3 बजे 4 बजे बाद में बहुत बसाए, कोई कमी कौन बसाएंगी, भी थाना सुविधा मिल रही है तो इनको फायदो ले लियो, पूरा चलेगा राकाल में कैमरे में देखो टावर बच रहा 20-30 में कर ओके, बोल के करा तो मुके करा तो बताऊंगा आज कार्ड, अगर आज कोई चले गए
कारण बताना पड़ेगा उनके घर पे। मैं एक ही तरीको बनाया और टेस्ट होगा, टेस्ट को बनाए, अगर टेस्ट नहीं देना है तो आपके फाइन लगेगा। जो बी एड में ला गया नहीं बिया, भैया मारी क्यों कॉपियां वेस्ट करवाओ भाई, मेबा कॉपियां सिर में मारा बटका बनाए बांगा ठाठिया बनावांगे बांगो, अरे थारी सजा कोई और ने क्यों दिया हमें। आप अच्छे कर्म करोगे, कहते हैं कि अच्छे कर्मों की जो फल है ना वो मरने के बाद ही मिलता है। आपका बाप कैसा था, बेहोश के कम पब्लिसिटी है तो गांव तक तो जाना ही है थारे बाप ने। अगर आपके बाप की अच्छी छवि रही है तो उनके चले जाने के बाद भी अगर आप दुकान पे जाओगे रुदार को गाज बो आके गो नारो फलान सिंह जी उठा परियो बढ़िया यार कोई बात नहीं रिपिया का ठीक हो जा, आपके बाप के मरने के बाद में भी आपका फल मिला है उसे। अच्छे कर्मों की फल जो है वो मरने के बाद भी मिलता है। लेकिन थे ऐसा कांड क्यों करो बेटी का बापू जो था ना, अब भी क्योंकि मैं टेस्ट लेना ही जो अब टेस्ट भी लेंगा और टेस्ट नहीं देगा तो भैया घरे फोन करांगा और तो बेरो पड़े नंबर घर का दे रहा क्या कौन दे रहा क्या, और भी तो चेक करा। अब अगर जाओगे तो आपका कार्ड जब्त होगा, रीजन बताना पड़ेगा। अरे यार आठ आठ मास्टर लगा रहा कि एक बार फोन तो कर लियो, थारो मित्र गठी पड़ है तो कितनी क्लासा दे जाए बेरो पड़ जाओ डोलगो थाने, एक बार पता कर लेना आपका मित्र कहीं अगर पढ़ रहा है तो कि उसे कितनी क्लासें दी जा रही है। और यहां पढ़ के अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप खराब हो चुके हो, आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे। फिर एक बार अगर स्टैंडर्ड की चीज हासिल कर ली, एक बार डंगी मोटरसाइकिल चलाइयो थे इनफील्ड वगैरह चला के देखियो, एक बाद में ए मोटरसाइकिल चलाओगे यहाँ लगे घोड़ती पर बैठे और कान खींचने लग रहा, लेकिन आपने चलाई वो है तो एहसास क्या होगा था ना कि डंगी स्टैंडर्ड ही। यहां पढ़ने के बाद अगर आपके नहीं सेट हो रहा है तो आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे, ये मैं बोलूं। या तो आप चले जाना, आप खराब हो चुके हो, या तो नौकरी लगोगे वरना खराब हो चुके हो, गठी कौन पढ़ पाओगा, क्योंकि यूं बेहतरीन टीम थाने कौन मिले। मैं बढ़ाई कौन करियो, चेक कर लियो यूट्यूब भरियो पढ़े सगड़ा मास्टर चेक कर लियो एक बार, थाने पतो चल जाओ कि अठे की टीम किसी के। अब दूसरो बैच बनावा, अब फुल्ले बैच लास्ट तक, अब सोचा दूसरो बनावा आठवें घंटे में देखा 20 बैठे लाते, तो मारे क्यों अव्यवस्था कर रहा हो रहा है, थाने नहीं पढ़ना जाओ थे। और ये कर कौन रहे हैं, स्थानीय, बाहर का जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए आए। लोग ये अगर रजिस्टर उठा के घर का प्रेशर दे दियो, रजिस्टर उठा के चाल पड़ो, वो दो या तीन घंटा बाद निकल जाओ, अप्लाई ज्यादा कर रहे, कोई रियायत कौन मिलेगी। कार्ड कोस ये दोबारा एडमिशन को लियो और गठी जान जोगा को नहीं थे, भी काम डंगू कर रहा तो भी सहयोग नहीं करो तो बेटी का बापू टांग तो ना डाउ रहे, थारी बजाऊ और पढ़ना रहा बच्चा का नुकसान हो रहा है। और मैं कौन चाहूँ को पढ़ना रहा बच्चा है, 20 बच्चा होगा तो मैं 20 ने पढ़ा लिया, मन कोई फर्क कौन पड़े ऑफलाइन, ऑफलाइन अगर एक भी बच्चा नहीं आएगा तो भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ना है, भले ही मत आओ चाहिए, बहुत आओगा तो भी कोई कमाई कितनी गोनी उठा नहीं बेरे, कमाई मैं ध्यान तो आप पर दे रखी है, सोर्स तो वो है। ऑफलाइन से मैं कुछ नहीं कमा रहा, शहर कमा रहा है, अच्छी बात है, मेरी वजह से आपकी वजह से कोई और कमाता है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। ये मैं आचार्यों के बारहों बच्चा आवे पान रोकू, हर व्यक्ति अपने शहर का ब्रांड एम्बेसडर होता है। आपकी जो जाति है उस जाति के बारे में मैं कुछ गलत बोलूं आपको क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जाति का ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो अपनी जाति के बारे में गलत नहीं सुन सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ इस शहर का, इस शहर का हर व्यक्ति अपने शहर का ब्रांड एम्बेसडर है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ जाने के बाद आप ये कहो कि तारानगर सही नहीं है, वहाँ हमारे साथ गलत हुआ, इसका मतलब क्या है कि मेरी भी बुराई है, शहर के हर व्यक्ति की बुराई है। मैं आचार्यों का ठाव जगह हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, 200 बच्चा खातर भरी लाइब्रेरी तक कर रहा, क्यों कर रहा, कायडो बच्चों अठी रहे वापस नहीं जा, रह गो तो किन की दे गो भी शहर को कुछ तो। आज इस शहर में 2000 बच्चे हैं बाहर से, 5000 के हिसाब से भी एक महीने की 1 करोड़ रुपये इनकम होती है, की तो दे रही है 1 करोड़ रुपया क्या न कहे, 100-100 गड्डी थानू उठे को नहीं, आई सटा बनाऊ तो उठे ही को नहीं बुढ़ा हुए। मैं चाहता हूँ आप भी तो इस शहर के हो तो व्यवस्था तो मत बिगाड़ो, आइडा बच्चन थे अच्छी फैसिलिटी दियो गल दी तो वो कहे को यार तारनगर के लोग भी अच्छे हैं, कोचिंग भी अच्छी है, थे भी शहर का ब्रांड। अब थे जी बुराई करोगा तो लास्ट में क्या होगा पता है, पीछे कोरोना टाइम छुट्टी करी, आप चाहे कितनी बुराई कर लेना भगत भक्ति रहेगा, कुछ भी बोल देना आप मेरे बारे में, जचे भी इतनी बोल देना अरे वो ठीक पटेगो अरे वो विषय तो फिर थे क्यों थारी एनर्जी वेस्ट करी। एक मोदी भक्त और एक कांग्रेस को भक्त थे, मोदी भक्त आ गया, मोदी जचे भी थी बुराई कर लिया, थान ला गए पार्टी छोड़ दे, अरे भाई मैं तो पटाया है
मैंने ज्ञान दिया है उसको, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुराई करने से और वो मेरे दुश्मन बन जाओ और क्या बन जाओ, मैंने पढ़ाया है उसे। जब एक आदमी आप पार्टी कौन छोड़े तो स्टूडेंट आप गुरु छोड़ दोगे बुराई करा, तो फिर थार फायदो क्यों यहां करनो, कोई फायदा थे नुकसान दिखे तान मेरे गड़ी नुकसान दिखे तान, तो फिर को जागे हम हो रहे। वो एक दिन आपको ही बुरा कहेगा ना रे बड़ो पावड़ो, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वाह ठीक है, तो थोड़ा सा सावल चालो, आप एक समाज का हिस्सा है, आपको देख के दूसरा जाएगा क्योंकि आप समाज के हिस्से हो। कोई कहे नहीं मैं मेरी पर्सनल लाइफ है, इस दुनिया में किसी की पर्सनल लाइफ नहीं है, ना मेरी कोई पर्सनल लाइफ है ना तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ सिर्फ साधु और सन्यासियों की होती है, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। आप जो कार्य कर रहे हो उसका प्रभाव आपके समाज के ऊपर पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर दारू पीता है तो उसका प्रभाव समाज पे पड़ेगा, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है। वो कहता है मैं दारू पीऊं मेरी पर्सनल लाइफ आ रहा कौन नहीं, तू दारू कौन पियो, तू दारू के साथ तेरी लुगाई को चैन और सुकून पी गयो, तू तेरे टापरांगी जगह ने बस जिंदगी पी गयो पूरी पूरी, उनका भविष्य पी गया तू और माँ बापा की जिंदगी भी तू बर्बाद कर दी। एक लड़की जब भागती है ना अपने घर से बाका मेरी पर्सनल लाइफ है मैं भागू, अरे तेरी कौन नहीं पर्सनल लाइफ, तू तेरे बाप की पगड़ी लेके बाजगी, तेरी माँ की इज्जत लेके बाजगी, तू तेरे छोटे भाई पे नांग जो कहने वो कैरियर लेके बाजगी और मोहल्ले की सभी लड़कियों का भविष्य लेके भाग गई तू, क्योंकि तू अकेली नहीं भागी है, तू समाज का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति एक समाज को हिस्सा है, मैं भी समाज को हिस्सा, मैं जैसा करूंगा वैसा और नहीं, चलो ठीक है थारी ज्यादा को नहीं तो थारे परिवार पर उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। किसी की भी पर्सनल लाइफ नहीं, अगर ये आप बहुत बात बोलते हो मेरी पर्सनल लाइफ है, कौन नहीं भैया तन तेरे माँ बाप की जरूरत कौन की है, कौन की, तो फिर पर्सनल लाइफ क्या हुई, ब्याह के बाद टाबर टिकना जरूरत कौन है, तो पर्सनल लाइफ नहीं होती। आपको देख के दूसरा सुन ना वही कौन पर डापा ही चला, तो इस वजह से ढंग से पढ़ लो। आज कार्ड जब्त होएगा, एक महीने के लिए तो कारण बताना पड़ो, घरे फोन करूंगा मैं थारी वजह मैं मेरी अव्यवस्था कौन कर सकूं, क्योंकि इनको नुकसान घटा है मैं टेस्ट कौन ले पा रहा और मारे के मैं फोटोकॉपी कटा के छोड़ दिया। टेस्ट होगा एक तो टेस्ट बड़ा लिया जाएगा, कौन सा लाइब्रेरी वाला, दंगो तैयारी कर लिया पॉकेट में मिल जाएगी लाइब्रेरी, एक रुपये कौन ला गएगो यूं ज्यादा और जान ले हुआ टॉपर की। टेस्ट देखेंगे लाइब्रेरी तैयार हो रही है, 15-20 दिन आप तैयार हो जाएगी और बिंग बाद में फिर देखा अगर डंगू इंशाल्लाह ऊपर वाले ने अगर चाहा तो अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, तो 5-7 हॉस्टल बनाना प्लान है, लेकिन वो बड़ो प्लान है, रुपया बड़ा लागे, अभी वक्त लगेगा इसमें, हर चीज में एक वक्त लगता है। टब्बर होने में भी 9 महीना लागे था ना, हॉस्टल बनाने की तो टाइम लागो, तो टाइम लगा चीज़ा जल्दबाजी को नहीं। अभी लाइब्रेरी की है लगभग 200 बच्चा खातर, गणी है 200 मारतर वो और के करा थे बताओ, तो उसके लिए जीके का टेस्ट होगा और होगा सिर्फ ऑफलाइन बच्चों का, यहाँ जो है ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा। थारकंज को कार्ड है नहीं हो वो हमेशा राखनो है, वो थरकद्दी का मास्क है क्योंकि गुरुकुल की तरफ कद्दी कोई स्की मास्क है, आज के वो कार्ड ही काम आओ, प्रोग्राम हो गए तो ही कार्ड काम आओगे, भी गुरुकुलो कोई बच्चों आज के तो वो कार्ड ही काम आओगे। अब लाइब्रेरी अरे कल ना और कोई स्कीम आ जाए तो वो कार्ड हमेशा काम आओगे, जेब में रखे करो, कभी मैं गुरुकुल आऊँ पुलिस आरती नहीं, पुलिस को कार्ड रखना पड़े नहीं भैया, और रखना पड़ो थाने चलो ले।